हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फिक्सेस और आप देख रहे हैं इस हफ्ते का मैच ऑफ द वीक, जहां पे हम देखने वाले हैं ई स्पोर्ट्स के दुनिया के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, इस हफ्ते हम देखने वाले हैं अगेन सम इंटरेस्टिंग काउंटर स्ट्राइक एक्शन कमिंग राइट इन फ्रॉम IEM समर्स 2021 बिटवीन टू ऑफ द बिगेस्ट यूरोपियन टीम्स, दैट्स गोना बी NIP एंड हीरोइक। दोनों की राइवलरी काफ़ी संगीन है। हम अगर पास्ट मैचेस की बात करें तो ऑफकोर्स हिस्टोरिक हैज हैड द लीड, दैट इज 8-6। एंड आज के अगर मैप्स की बात करें तो ऑफकोर्स NIP वेंट इन फॉर मिराज, जहाँ पे हमने देखा हीरोइक वेंट इन फॉर न्यूक। एंड जो तीसरा मैप था, दैट्स गोना बी प्लेड इन एंशिएंट इफ इट गोज टू अ 1-1। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे NIP के पहले मैप पिक की तरफ, दैट्स गोना बी इन मिराज, एंड फाइंड आउट व्हाट द रिजल्ट्स वर। तो आ चुके हमारे पहले मैप की तरफ, कॉस बिटवीन हीरोइक एंड NIP। अगर बात करें हीरोइक प्लेइंग ऑन द सिटी साइड एंड NIP ऑन द टेररिस्ट, और राइट ऑफ द बैट हम फॉर्मेशन देख सकते हैं हेडिंग टूवर्ड्स द बी साइड, किचन की तरफ से NIP के प्लेयर्स। और अगर साइड्स की बात करें, होल्डिंग की बात करें, एक शॉट पे मौजूद है तो एक साइड पे ही मौजूद है। देखते हैं यहाँ पे क्या कमाल दिखा पाते हैं NIP के प्लेयर्स। रेस ट्राइंग टू जस्ट पीक अराउंड द मिड साइड के ठीक सामने, वी गॉट रिफ्रेश प्लेइंग ऑन द शॉर्ट एरिया। जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, स्पॉट जरूर किया था, शॉर्ट स्पीड ये गए थे, बट ऑन द साइड लाइन्स वी गॉट हैम्पस बीइंग टेकन आउट। रेस अभी भी कोशिश कर रहे हैं कुछ शॉट्स लेने की, बट हेड पुश इज ऑन एंड वेल वॉइट आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब एट शॉटिंग NIP डाउन एंड फ्लॉलेसली इस राउंड में जीत हासिल कर ली और 6-0 की बढ़त बना ली। एंड हीरोइक आर जस्ट एब्सोल्युटली स्टॉम्पिंग थ्रू NIP एंड यहाँ पे दे हैव टू यू नो फिगर आउट सम वे ऑर द अदर फॉर द बॉयज फ्रॉम NIP टू जस्ट गेट बैक इनसाइड द गेम, क्योंकि मिराज जैसा हमने देखा है इन द पास्ट, इट्स काइंड ऑफ अ बैलेंस मैप। इट ऑल कम्स डाउन टू आप कैसे कंट्रोल लेते हो साइड्स के ऊपर। मिड इज ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे वेल द बॉयज फ्रॉम NIP आर जस्ट गिविंग अवे लॉट ऑफ फ्रैग्स। एंड राइट नाउ LNZ माइट फाइंड रिफ्रेश, हु वाज वे टू अग्रेसिव कलेक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन, बट गेट्स ट्रेडेड ऑफ। अब 3v4 के सिचुएशन में आ चुके हैं। डिवाइस स्पॉट के डिन डाउन 2v4, फाइनली NIP दे आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग इन दिस राउंड। अच्छा एडवांटेज है, C4 भी प्लांट करेंगे, थिंक हेडिंग टूवर्ड्स द बी साइड ऑलरेडी। वी कैन सी टेसिस मेकिंग इट ऑन टूवर्ड्स द डिफॉल्ट एरिया, बट हैम्पस फ्रॉम द मार्केट। ओके, स्काउट कर रहे हैं थोड़ी देर में, स्पॉट आउट हिज किट, कैन एक्चुअली नाइफ हिम एंड ही डज इट दो, इट वाज मच नीडेड, यू नो सम, यू नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट NIP नीड टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक इन देम। शूश इन द मीनवाइल देखते हैं कैन ही फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ एग्जिट फ्रैग, a 1v4 against the world काफी मुश्किल होने वाला है। एंड आई थिंक ही इज जस्ट गोना सेव द ऑप। एंड इकोनॉमी की बात करें, वेल द बॉयज फ्रॉम NIP दे डूइंग प्रीटी सॉलिड, राइट, आराम से और दो राउंड्स के लिए तो बाय कर ही सकते हैं जिस तरीके के यूटिलिटीज उनके पास मौजूद हैं। बट राइट नाउ शोश का एक ही काम रहेगा, दैट इज टू ट्राई एंड शट डाउन एनी अदर प्लेयर एंड मे बी जस्ट ट्राई टू यू नो डैम्प इन देयर इकोनॉमी, बट दैट्स नॉट गोना हैपन। बॉम्ब भी फट चुका है, 6-1 का स्कोर लाइन। NIP somehow did you know try to get one more round, but it was Heroic again getting 3 out of it. 9-2 की स्कोर लाइन हो चुके हैं एंड Heroic they're literally enjoying themselves on the CT side. तो देखना यही रहेगा कि क्या NIP comeback कर पाती है, because this is not the NIP that we are accustomed to see. And after having device, आप expect करोगे कि they'll have even better games. But Stone, well, just on the connector area, उन्हें अपनी op काट रखी उधर,
Kyrian will, however, find a pick on his res, but Tessus falls down to LNZ. Plopsky also going big, and this is the kind of an opening Joki team NIP ko kafi der se talash thi in a 4v3 situation. Heroic trying to even down the numbers, have managed to do so, but kya engage karenge? That's the big question. By the looks of it, तीन प्लेयर सेव करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको भी पता है अगर यहाँ पे वेपन सेव करते हैं तो नेक्स्ट राउंड के लिए इकोनॉमी रहने वाली है, अदरवाइज दे विल हैव टू गो इन यू नो विद मे बी अ सेमी बाय और मे बी हाफ बाइज ऑन फ्यू प्लेयर्स, फुल बाय ऑन अदर्स. दैट्स नॉट द काइंड ऑफ अ सिचुएशन दैट दे वुड वॉन्ट टू बी इन. और यहाँ पे NIP अपने लिए अपना तीसरा राउंड निकाल के, मच नीडेड तीसरा राउंड आप बोल सकते हो. अभी भी इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अभी भी तीन राउंड्स थे, बट देन अगेन दे यू हैव इट हीरोइक कमिंग बैक विद टू राउंड्स. तो NIP अगर एक राउंड जीतती है तो हीरोइक दो या तीन राउंड जीत जाते हैं. सो दे बीन प्लेइंग अ फिनोमिनल गेम सो फार, बट राइट नाउ यू कैन सी रेस इज प्लेइंग ऑन द टीगल. एलएनजी एंटरिंग इन फ्रॉम द मेन्स, ooh, is a very cheeky angle. Defy's also spotting out a few players, and Shush has been shut down. Stone, over the Bhara Chuka, just trying to hold this one. Refresh also providing that cover fire. See for a plant anywhere, but Rez getting that pick. Can he get the second? No, it's gonna happen. And right now, Defy's well stepping up with the AK. A 1v2 man, refresh against Plopsky and Defy's. काफी मुश्किल होने वाला है. कैन यू जस्ट पुल दिस वन ऑफ एंड नो इज गोइंग टू बी द आंसर एज वी हैव एंडेड द फर्स्ट हाफ विद एन 11 फोर स्कोर. अब NIP को किसी तरीके से एक मिराकुलस कमबैक करना पड़ेगा, बिकॉज हीरोइक दे आर लुकिंग रियली नीट, दे आर लुकिंग वेरी मच इन फॉर्म एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर हीरोइक और NIP की यू नो पास्ट कपल डुअल्स की बात करें तो ऑफकोर्स इट वॉज हीरोइक And I've been getting that upper edge. तो यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि numbers को और ज़्यादा बढ़ाएं, but जो stakes यहाँ पे हैं, it's the low bracket semi-final, so you have to win or you just go home. फिलहाल C4 is sort of headed towards the B side, and कहीं ना कहीं device को अंदाज़ा हो चुका है, going really aggressive on that mid area to collect those extra bit of information. Stown. He's just scouring around. A side ke taraf aa to chuke the, lurker kar role ada kar rahe the, but eventually got picked off by Rez. But Hampus does know, has seen the movements. We'll try to buy enough time for his teammates to come in. But Shush, dekhi, bilkul inhone bench kisi ne check nahi kiya. And Hampus is punishing everyone. And Refresh is here. Gets those 2k. Is now in a 1v1 situation. प्लेयर को स्पॉट आउट जरूर किया है, विल ट्राई टू टेक हिज यूएसपी एंड नाउ लेट्स सी व्हाट इज ही अप टू. स्पॉट्स हिम डाउन एंड हीरोइक वेल 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 13-6 का स्कोर लाइन. NIP इन अ होल वर्ल्ड ऑफ ट्रबल. मात्र और तीन राउंड्स ही बस हीरोइक को जीतने हैं, एंड इफ दे विन दैट इट्स बेसिकली ओवर. फिर से बी साइड की तरफ स्टैक अप हो रहे हैं प्लेयर्स, नज़र आ रहे हैं, एंड किचन ऑलरेडी घुस चुके हैं. इसी भी समय माइट जस्ट पुश दैट वन थ्रू, बट स्टॉन को देखिए गोइंग इन ऑन द मिड साइड जस्ट डाउन बिलो वेटिंग. स्मोक्स यहाँ पे डाल दिए गए, सो दे आर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम. जब स्मोक्स हटेंगे दैट्स व्हेन दे आर गोना मेक देयर नेक्स्ट मूव. अब C4 की बात करें, स्टिल देयर फार ऑफ इन द बी साइड. तो कोशिश रह रही है कि कितने भी ओपनिंग फ्रैग्स अगर निकाल सकते हैं, कुछ यू नो कनेक्टर पे ओपनिंग्स निकाल सकते हैं, देन दैट्स गोना रियली हेल्प हिम आउट. बट ये देखिए क्रॉस फायर परफेक्ट सेटअप एंड वेल 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 NIP दे आर जस्ट पनिशिंग, दे आर जस्ट मूविंग डाउन द प्लेयर्स. Plopsky गेटिंग दैट टू किल्स ओवर देयर. यू हैव गॉट Rez आल्सो गेटिंग वन मोर. पूरा भार आ जाता है अभी स्टॉर्म के ऊपर. अकेले 1v5 सिचुएशन, कैन यू डू समथिंग, कैन यू पुल दिस वन ऑफ. काफी मुश्किल होने वाला है, एंड Hampus विल फाइंड हिम आउट ऑफ नोवेयर, सिक्योर दैट AK. और इसी के साथ मिराकुलसली NIP हैव पुल्ड ऑफ
कमबैक 13-11 का स्कोर लाइन, एक भी राउंड नहीं दिया। हैम्पस गोइंग बॉन्केस, गोइंग बिग विद दोस 3K एंड आज काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कैन ही गेट वन मोर दो, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ओह स्टोन विद दैट चीकी हेडशॉट, बट दैट्स नॉट गोना डू एनीथिंग एज एनआईपी हैव लेवल्ड अप द स्कोर। आई मीन इट्स गोना बी अ ड्रीम कमबैक राइट, जिस तरीके से इन्होंने दिखाया ये चीज, 14 ऑल टू बोथ द साइड्स। देखते हैं इस राउंड में कमिटमेंट लग रहा है पैलेस के थ्रू से आने की कोशिश। ए साइड को पूरा खोल दिया जा चुका है, इट्स जस्ट डिवाइस नाउ हु रियलाइजेस कि शायद ए साइड पे प्लेयर्स आ सकते हैं। एंड नाउ रेस इज आल्सो देयर जस्ट प्लेइंग आउटसाइड ऑफ फॉर रादर इनसाइड ऑफ कनेक्टर जस्ट ऑन टुवर्ड्स द साइड केडियन राइट। सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा पेशेंट, just waiting for the perfect pick off and they might just go ham after that device. In the meanwhile, let's see. Okay, smoke's being deployed at the mid area. Connector said nade zarur aaya tha. Sound does not care, he pushes in through the smoke. Res bilkul wait kar rahe hain, the moment the terrorist step out tabhi unko down karenge. That's with the op. Res gets one. Device misses that shot. Completely gives away his position and also his skills. As Hampus still trying to hold on. कोशिश तो कर रहे हैं। सारे players को बहुत ज़्यादा lit किया है। But is it gonna be enough? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। C4 has been planted. Plopsky. Okay. The players of NIP are just backing off. क्योंकि economy बिल्कुल नहीं है NIP के पास। If they die in this round, next round jeet hi nahi payenge, so it's better to give away this round and then get your teammates a few buys of their own and maybe try to go for the overtime. I think NIP ka yahi strategy rehne wala hai kyunki Heroic have pretty much won this round, koi dikkat nahi hone wali and yeah, they're done. Shush, like the name though. 15-14 ka scoreline and up. Heroic is on the match point, but ninjas in pajamas. अगर एक round यहाँ से निकाल देते हैं, then they are basically through. They're gonna just do it. They can take it to the overtime, and then फिर से वापस से सब कुछ reset हो जाएगा. So that will give them enough opportunity कि फिर वापस से you know game start करें, अपने लिए थोड़े rounds रहेंगे, वहाँ से comeback कर पाएं. But Heroic just one round away and here comes the push. Already Heroic pushing in from the shots, but Rez, he's there from the back lines. Backstab bahut hi behtareen aata hua, already has managed to pick up two players in a 2v2 situation. Heroic versus NIP, got stone tesis on Heroic and Hampus still alive for NIP along with LNZ. Ooh, completely catches stone off with his pants down. There you go. LNT somehow has managed to do this. And yes, Devio Chajano, we are in here for an overtime. Ab overtime jab bhi hota hai, cheeze kaafi interesting ho jaati hai. Get so much spice. Pura match abhi reset ho chuka hai. And NIP ke paas momentum hai, jisko wo capitalize karna chahenge. To dekhte hain kis tarike se karte hain players yahan pe. Okay. Plomsky. Let's try to spot a few out, but no, just gets baited. Stone and will be taken down. C4 on towards the mid areas, looking for a rotation actually. Shayad, you know, khoon ke jana chahenge. Wahi pasand karne wale. Love device. See. What is he up to? Refresh. I think अपने टीम के लिए यहाँ पे lurking कर रहे हैं, trying to collect those extra information. CTs को एक जगह पे, you know, just keeping them pinned down while their teammates are finding other openings. आप देख सकते हैं, you know, they are already trying to go in through the main. Yeah, there you can see.
Ooh, that spots that little bit of an arm. Takes one down. Plopsby gets another. Shush. Is it a crossfire? Still manages to take down Rez. But it's Hampus who's doing the job majorly. And he will also end it out in there. 15-16 ka scoreline ho chuka hai yahan pe. Ab dekhna padega ki kya heroic kuch chamatkari pradarshan dikha pati hai ya nahi. Because agar nahi kar pati, then they're basically done. Well, Vice takes that shot, sort of misses out. Thoda sa HP ka down hoga, but that's the thing with Office, right? I mean, ek HP ke saath bhi, if you hit your shot perfectly, then you're good to go. Rez in the meanwhile is trying to push in through mid, but it's Dawn who finds Device completely off guard. We'll take him down. In a 5v4 situation, Heroic were doing good until Hampus gets one more. More has been thrown. Hampus, look at those shots, so crispy. Rez still trying really hard, but Refresh will of course try to get things refreshed as the C4 has fallen and Stone. के पास टाइम जरूर है खिलाने के लिए, बट जिस जगह पे C4 इन्होंने डाला, इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट टू यू नो एक्चुअली ट्राई टू रिकवर दैट एंड देन गो फॉर द प्लांट. बट कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फिलहाल स्टाउन राइट जस्ट वेटिंग. That's a cheeky one. एक finally एक 1v1 में आ चुके हैं. It's not know कि आखिरी player किधर है. Smoke's being deployed. Might just anticipate him to be on the main side, but no. That's not the case. LNZ. Well, some damage from the Molotov, but that's just about it. As LNZ will shut him down, or NIP दो rounds की बढ़त already ले चुकी है. The nades coming in. Making things even more interesting. अब अगर बात करें तो C4 this time is on the short area, on the B shot. किस टाइम एंटर करते हैं ये देखना पड़ेगा. But look at NIP, ये जो aggression दिखा रहे हैं, just pushing in through palace, कोई परवाह नहीं दुनिया की. Think अगर थोड़ी देर और, you know, थोड़ा और information collect कर लें. They're giving so much info to their team, and Shush just outside the main. Ah, oh, he might just get caught off guard. Yes, he does, and it's gonna be an easy pick off for Rez. And now, Heroic in a whole world of trouble. Hampus, abhi bhi palace ke upar se, whereas the main side has been sort of opened up. Yahan pe sare players push in kar gaye the, side khul gaya hai. But Hampus, all right, he's gonna spot one. It's a pick. बाकी सिटीज रोटेट कर रहे हैं, तीन प्लेयर्स बी की तरफ मौजूद थे. तो रोटेट करने में टाइम लगेगा, बट उससे पहले ही हैम्पस यहाँ पे बड़ी आसानी से सफाई कर रहे हैं यहाँ पे टीम्स की. एंड देन देयर यू गो, प्लॉप्सकी जस्ट हिटिंग द फाइनल नेल इन द कॉफिन. एंड NIP, वाओ, ब्यूटीफुल प्ले. 15-18 का स्कोर लाइन हो चुका है एंड NIP जस्ट नीड दैट वन मोर राउंड टू सील द डील. एक और राउंड एंड दे बेसिकली थ्रू फर्स्ट गेम. उसके बाद एक और मैप होने वाला है, दैट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग एज़ वेल. बट देखते हैं इस तरीके का सेटअप. स्टॉन राइट ड्रॉपिंग दैट ग्रेनेड. हैम्पस को हल्का सा डैमेज होने वाला है, बट दिस टाइम NIP जस्ट प्लेइंग थिंग सेफ. C4 को ड्रॉप कर दिया था मेन के बाहर. प्लॉप्सकी विल ऑफ कोर्स रिट्रीव इट. दो प्लेयर्स यहां पे मिड के एरिया पे नजर आ रहे हैं अराउंड द कार्टविल. Just trying to play it out, but यहाँ पे mid के तरफ they are trying to make some, you know, movements, a few molotovs, smokes, trying to just block off the sniper's nest. But फिर से देखिए इस बार heroic, they are playing aggressive. Device will catch one out though. Okay, misses the shots. Really not expected, but it is what it is. A 5v4. Heroic just pulled this one off, but Stone, he misses his shots. Sare snipers apne shots miss kar rahe, but second time nahi miss karenge. We get one, but gets traded right after as LNZ is doing so much, but no! Heroic
इन्होंने भी कर दिया है गेम के अंदर कम बैक. इट्स गेटिंग सो इंटरेस्टिंग. अब देखते हैं इफ हीरोइक कैन पुल दिस वन ऑफ. जो भी टीम सीटी साइड पे रह रही है, दिस इज मेकिंग सो मच हैपन फॉर देमसेल्व्स. काफी इंटरेस्टिंग मोड पे लेके आ चुके हैं इस मैच को. अभी अगर बात करें पैलेस के बाहर, अभी सी फोर ड्रॉप कर दिया गया एंड एलएनजी इज ट्राइंग टू गार्ड इट. एंड दिस टाइम इनको पता है कि अनवांटेड अग्रेशन आने वाला है. दे आर गोना पुश इन पेयर्स, बट एक प्लेयर को स्पॉट किया. विल ड्रॉप दैट फ्लैश, विल ट्राई टू डिप्लॉय दैट मॉलोटोव, जस्ट ट्राइंग टू थ्रो देम ऑफ फ्रॉम द पुश. बेहतरीन कंट्रोल यहां पे एनआईपी के द्वारा, जस्ट ट्राइंग टू गेट इट बैक फॉर देम. एंड केडियन वेल जस्ट ब्लाइंडेड कनेक्टर के थ्रू टू प्लेयर्स यहाँ पे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं. ओके स्टाउन स्मोक हटेगा एंड देन यू गेट द पिक. टेक्स डाउन ब्रेस इन द प्रोसेस. एक 4v4 सिचुएशन में C4 अभी भी पैलेस की तरफ से ही आने वाला है, तो स्टाउन को बहुत ज्यादा केयरफुली रह के खेलना पड़ेगा. टू फोर्स स्कोप यहाँ पे खोली हुई, टेकन डाउन, बट टेसिस with that combo, with those trades, he is making it happen. 3v1. It's Plopsky against the world. Kya Plopsky ek behtareen clutch pull kar payenge? No, it's gonna be the answer as he falls down and heroic. Agar ek aur baar ye round jeet jate hain, then it's pretty much going to a second. काफी रोमांचक रहा है, स्पेशली हाउ यू नो एनआईपी हैव पुल्ड दिस कमबैक ऑफ 11-4 के स्वाप के बाद. यू नो जस्ट गेटिंग ऑल दोस राउंड्स, फिर ओवरटाइम लेना. बोथ दिस टीम्स हैव बीन प्लेइंग अ फिनोमिनल गेम ऑफ काउंटर स्ट्राइक. इन द मीनवाइल C4 स्टिल जस्ट आउटसाइड पैलेस. ए के तरफ दो प्लेयर्स हैं, बी के तरफ भी दो प्लेयर्स. मिड के अराउंड एक प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इट्स जस्ट प्लेइंग इन स्नीकी, क्योंकि नेस ऑलरेडी स्मोक ऑफ कर दिया गया है. सो इट्स गोना बी प्रीटी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से यहाँ पे एनआईपी एडवांस करती है. मात्र एक और राउंड की तलाश एंड दे माइट जस्ट पुल दिस वन ऑफ. लेट्स सी व्हाट आर दे अप टू. कनेक्टेड के दो प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, ये चाहता हुआ बट डैमेज किसी को नहीं करने वाला. दैट इज गोना बी अ बिट डिसअपॉइंटिंग. बट लुक इट्स डाउन मिसिंग दो शॉट्स. एलएनजी उनको पनिश करेंगे उसके लिए एंड एलएनजी गेट्स अ सेकंड वन एज वेल इन अ 5v3 सिचुएशन. दिस इज एग्जैक्टली द राउंड दैट एनआईपी नीडेड. एंड अब काफी दिक्कतें होने वाली हैं फॉर हीरोइक टू कम बैक एंड गो इन फॉर द रीटेक. दे विल हैव टू कम इट, बिकॉज अगर ये राउंड हार जाते हैं दे आर बेसिकली गोना बी लूजिंग आउट ऑन द मैप. और 11-4 के अर्ली लीड के बाद यू नो एनआईपी को फाइनली एक लीड देना, इट्स गोना बी नाइटमेयर फॉर देम. पूरा मनोबल डाउन हो जाएगा उनका. एंड रिफ्रेश इज गोना ट्राई टू गो फॉर इट बट हैम्पस इज देयर एंड आखिरी प्लेयर बचे केडियन विद जस्ट 4 HP एंड देयर यू गो, दे लूज इट एंड NIP for the win. That was a nail biter, to be honest. किसी ने भी expect नहीं करा था कि इतना close कर जाएगा. It went to overtime. And अगर बात करें इस map की, तो of course जब भी हम Mirage के बारे में सोचते हैं तो it's a balanced map. You know दोनों sides को favor करता है. But दोनों ही sides आज T side पे अपने काफ़ी यू नो कमज़ोर नज़र आई. In fact NIP अपने टेररिस्ट साइड पे उन्होंने काफ़ी चोक करा. इफ़ यू टॉक अबाउट हीरोइक, उन्होंने अभी अपने टी साइड में काफ़ी खराब प्रदर्शन दिखाया, बट ऑन द सी टी साइड दे मेड अप फॉर इट. एंड जिस तरीके से कमबैक देखने को मिला NIP की तरफ से, दैट वाज अमेजिंग. ओवर टाइम की तरफ गए एंड देन इट वाज अ क्लियर कट पाथ फॉर देम एंड बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिला. LNG की अगर बात करें, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन खेला. प्लॉप्सकी ने भी बहुत ही शानदार एस लिया वहाँ पे. ऑफकोर्स रिफ्रेश ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी बट दैट वॉज जस्ट इनफ. एंड राइट नाउ अब NIP तो जीत चुकी है, अब चलेंगे न्यूक की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे 2-0 पे ख़त्म होता है या फिर वी आर गोइंग टू अनदर मैप दैट्स गोना बी इन एंशिएंट. सो लेट्स हेड इन टू न्यूक एंड फाइंड फॉर आवरसेल्फ्स कि इस मैप पे किसने जीत हासिल करी. अब आ चुके हैं हमारे सेकंड मैप की तरफ जो कि खेला जाने वाला है ऑफ कोर्स इन न्यूक. इस बार NIP स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द सिटी साइड. वी हैव गॉट हीरोइक ऑन द टी साइड. रेस टू डू समथिंग
यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ है मौजूद, जस्ट ट्राइंग टू एंटर इन, लेट्स सी एलएनजी. वेल वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बैक्स ऑफ. इसका फायदा उठाने वाली हीरोइक जस्ट गोइंग इन ऑन द अपर लेवल्स एंड हेवन से उतरते हुए विल ट्राई एंड गेट दैट प्लांट ऑन टुवर्ड्स ए साइड. Cabin, module there is. Alright, Culpiritas. Just trying to, you know, tap him down. But no, this is gonna be the answer. And with this, somehow, NIP, they're making it real. In a 2v1 situation, it's gonna be Stown. Who pulls that one on towards Hampus. Device knows exactly where the player is. Ek shot hi bas unko connect karna hai. But I believe, काफ़ी लेट हो चुका है. ही हैज़ टू स्टिक द डिफ्यूज. कैन ही एक्चुअली डू इट? ओ ही डज. आउच. एनआईपी कंप्लीटली जस्ट आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने बेहतरीन राउंड निकाला. उसके बाद और भी दो शानदार राउंड निकाल चुके. अब आ चुके हमारे बाय राउंड की तरफ, जहाँ पे 3-0 का स्कोर लाइन हो चुका है. हीरोइक आर इन स्टिल इन परसूट. एंड एन आई पी की बात करें तो ऑफकोर्स सिटी साइड पे है, तो वो एडवांटेज आपके पास डेफिनेटली रहने वाला है. तो देखते हैं अभी प्लेयर्स किस तरीके से खेलने वाले हैं. शूश एंड रिफ्रेश, जस्ट ड्रॉपिंग ऑफ द स्मोक्स. आउटर्स आई थिंक एंट्री करने का प्रयास रहने वाला है इनका. स्मोक पात तो बना दिया है. But there you have it. Stown getting that pick on towards Popsky. Rez will, however, trade Kaden down. Rez is playing the upper areas just beside Silos. Okay. Shush. Entering in through Squeaky with Tessis. Stown. Shanta. Molotov just to bob block off the heaven over there. PB एक 4v4 सिचुएशन. हीरोइक गोइंग इन फॉर द C4 प्लांट. दिस इज बहुत ही अच्छा एंगल है इनके पास. अगर कैबी से कोई भी प्लेयर जाना चाहेगा वुड इंस्टेंटली बी शॉट डाउन. बट नो, डिवाइस वाज सो वेल प्रिपेयर्ड. एंगल्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से चेक जरूर किया. एंड देयर यू हैव इट, द स्पैम इज गोइंग आउट. एंड स्टॉप, एक और पिक मिलता हुआ. नाउ इन अ 1v2 सिचुएशन डिवाइस इज gonna be taken out. और finally हीरोइक को अपना पहला राउंड इन दिस मैप मिल चुका है. और कहीं ना कहीं यहाँ पे हीरोइक का जो मुराल है वो काफ़ी डाउन हो रखा है, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस तरीके से उन्होंने मिराज के मैप में नो हार हासिल करी, इन्होंने सपने भी नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार का हश्र होगा उनके साथ. फिलहाल देखते हैं यहाँ पे हैम्पस क्या कमाल उठा सकते हैं. जस्ट ट्राइंग टू स्प्रे इन थ्रू द स्मोक स्क्वीकी की तरफ. He's trying to dish out any kind of chip damage, but LNZ को काफी damage पड़ा है. 35 HP पे ही बचे हैं अभी. Okay. Hampus. Right. एक Molotov आता है. And outer को फिर से यहाँ पे smoke कर दिया गया है. Pathing has been made. Cross करने का प्रयास रहने वाला है. Before that, they need that pick. After fresh, just missing out on the shots. Device. He's gonna punish him for that. एंड अब एक 4v4 सिचुएशन. रैम के थ्रू बी साइड की तरफ जा चुके हैं, बट हैम्पस भी मौजूद हैं. हैम्पस काफ़ी बेहतरीन आज खेलते हुए नज़र आए, स्पेशली इन मिराज. देखते हैं क्या इस मैप पे भी वो फॉर्म को जारी रख पाएंगे. जब तक टेसिस को किल भी मिल गया. एंड शुश इज ऑल्सो गोना पनिश हैम्पस फॉर दैट. 2v4 का सिचुएशन. C4 थोड़ी ही देर में यहाँ पे प्लांट हो जाने वाला है. CTs की बात करें तो इट्स ऑल डाउन टू प्लॉप्सकी एंड डिवाइस. डिवाइस के पास तो ऑफ तो है, इट ऑल्सो प्रेजेंट ओवर देयर, बट जस्ट कांट गो इन राइट अवे. तो अब NIP इज जस्ट गोइंग इन फॉर द सेफ. एंड 7-4 का स्कोर लाइन हमको देखने को मिलेगा. बट NIP दे आर प्लेइंग रियली स्ट्रॉन्ग. आई मीन सिटी साइड पे 7 राउंड्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं आउट ऑफ द राउंड्स दैट यू हैव, 15 राउंड्स में से. सो इस 11 राउंड्स ऑलरेडी हो गए, सो यू गॉट मोर 4 राउंड्स. अगर यहाँ पे भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, देन दे जस्ट गोना क्रूज इन राइट.
But then again, you never know. Heroic अगर अपने सिटी साइड पे भी काफी अच्छा खेल लेते, you might see a miraculous comeback. कुछ भी हो सकता है इस गेम के अंदर. But अभी NIP just have to wait it out. As Heroic are right on their tails. 8-5 का scoreline. मात्र और दो rounds. Let's see किस तरीके से इसको closer करते हैं. Do we go for a third round? Go for a third map? We played in ancient. जो नया addition आया है. I really feel कि still needs a bit of work, but look at Stown just mowing through Rez and Rez. Unlucky lad. Barely on 37% HP. And Hampus gets that pick onto his refresh. And see, oh, cheeky angle पे थे जरूर, but Shush ने उसको anticipate किया था. Well, of course. Tessis taking down Hampus, completely opening up the side. Rez does have the AWP, but smoke dal gaya hai. So he has to reposition himself. And massive kill na padega. The Molotovs are here. Ko pata hai, they're just gonna pull off something like that. Smoke bhi dal chuke hai. Just had that slight corner to play around with. Ooh, zyada overextend nahi kiya yahan pe players. C4 plant ho chuka hai. Dekhte hai kya NIP टेस्ट करने वाले, बिकॉज इकोनॉमी की बात करें, दे डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. सो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, दे गोना बी जस्ट गोइंग फॉर द सेफ. और बचाने की कोशिश रहेगी, वो ट्राई टू यू नो मेक इट 9-6, वरना 8-7 का स्वॉप भी हम लोग को देखने को मिल सकता है. तो हीरोइक फाइनली स्टेपिंग अप एंड NIP जस्ट स्लिपिंग अवे ऑन अ फ्यू राउंड्स. राइट नाउ स्टाउन ओके सफर इट Heroic wins the round. Ooh. Start pick. 8-6 ka score line. Ab dekhte hain yahan pe. Off to last round chala hi gaya tha almost. I mean, they had it, but it's alright. New beginnings. LNG and Rez on that SMG. Hampus with a dig. Okay. Let's see what they're up to. Well, it's easy. Right, missed it out. ये कभी expect नहीं किया था. And she's getting mowed. Plopsky out of nowhere taking down two players. और एक 4v3 में फंस चुकी है. But बाहर की तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे Heroic के players. देखते हैं यहाँ पे इस round में अपने experience प्रकार निकालते हैं. But Hampus does not let that happen. Goes in for that aggressive peek. It's that important information. Ko pata chal chuka hai, they are gonna be pulling off something, you know, from the heavens. But Hampus, being careful as ever, Deagle ke sahare khel rahe. He might have a face off. Kya zarur tha. Missed a few shots, but Cadian ko down kiya. Saath hi saath C4 bhi drop ho chuka hai. It's going to be so much more difficult for Tessis to recover on this round. And all right, just skips away his kill. 9-6 का स्कोर लाइन और इसी के साथ हम लोग को देखने को मिला स्वॉप. अब NIP टी साइड पे आ चुके हैं. Heroic ने 6 राउंड्स अपने टेरर साइड पे निकाला, विच इज रियली प्रॉमिसिंग. अब देखते हैं कि सिटी साइड में किस तरीके से होल्ड कर पाते हैं, या फिर इज इट गोना बी जस्ट NIP डोमिनेशन थ्रू आउट. एंड ऑलरेडी राइट ऑफ द बैट आउट से पुश करते हुए Cadian काफी ओपन में आ गए थे, कोई कवर नहीं था एंड ओपन में उनको डाउन भी कर दिया गया. स्टॉन ऑल्सो मेकिंग दैट सेम मिस्टेक. इम्पेशियंस दिखता हुआ यहाँ पे एंड NIP के प्लेयर्स देखिए वापस आ रहे हैं जस्ट टू टेक हिम डाउन. एंड Hampus इन द मीनवाइल विल फाइनली गेट दैट पिक. शूश हेवन से खेलते हुए जस्ट गो डाउन बिलो एंड सम क्विक रोटेट्स कमिंग आउट और बी लेने के प्रयास में टीम NIP के प्लेयर्स. एंड या समवॉट समवेयर डाउन द लाइन Heroic डिड सी दैट कम राइट. मेन साइड को ओपन कर दिया, हेवन को भी खाली छोड़ दिया था. इट वाज अबाउट टू हैपन. नाउ Rez कम्स आउट. ओह नो गेट्स टेकन डाउन बाय Shush इन अ 3v3. दिस इज अ रीटेक दैट Heroic शुड बी चैलेंजिंग फॉर. हैव बेटर पिस्टल्स. यूटिलिटीज की बात करें नॉट मच, एक एक स्मोक है बस Rez के ऊपर. दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गो इन फॉर द डिफ्यूज बट लुक एट Shush एंड Tess. दो बेहतरीन पिक्स. इट्स ऑल ऑन टू इट्स डिवाइस. वेल दिस आर द P250 बट देयर यू गो द डैमेज हैज बीन डन. NIP
get the win in this round. 10-6 का स्कोर लाइन, डिले काफी अच्छा करा था एंड एनआईपी ऑफ टू नियर परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स हुए थे, नॉट प्लेइंग विथ कवर. यहाँ पे हीरोइक को समझना पड़ेगा कि पेशेंस इज रियली नेसेसरी, इज रियली गोना बी इंपॉर्टेंट. ओके गेडियन trying to peek in through. Hampus. And refresh. काफी patiently wait कर रहे थे, just spotted the silhouette and instantly उनको down कर दिया. Wait भी नहीं किया, हल्का सा you know outline दिखा उनको and उनको pick कर दिया है. अब देखते हैं, in a 4v4 situation, 13 rounds already nikal chuki hai NIP, so this looks really promising for them and they're just cruising away for victory. And Heroic on the CT side, they look completely shut down and kahin na kahin inko yahan se advantage banani thi apni CT sides ke fayde uthane the, but one mistake just following the other. All right, KD ne ek play spot kiya, we'll take him down. Was patient enough. This is last takedown res in the process. आप देखिए यहाँ पे, oh KDN just peeking from the same angle again. Device ने इनको काफी अच्छे तरीके से punish किया. In a 2v3 and the CTs I believe already B side पे आ चुके हैं. Device just breaking through those windows. Up down की बारी. Goes in right, gets a pick on towards LNZ, but it all comes down to Device in a 1v2 against Heroic. Shandar ek kill, but dusre lene mein asafal rahe because obviously bolt action tha, takes that time for a reload, and Heroic somehow by the whiskers pull this round off. Op pe mil chuka hai, so a good economical shift in their favor. 14-7 ka score line. अब मात्र दो ही राउंड्स चाहिए टीम निंजा सिंह पजामास को ये बेस्ट ऑफ थ्री जीतने के लिए. एंड हीरोइक नीड अ लॉट मोर टू विन दिस राउंड, टू विन दिस मैप, गो फॉर अ थर्ड गेम एंड देन अगेन विन दैट. इट्स अ लॉन्ग रोड फॉर देम. बूस्ट आता हुआ एंड लेट्स सी इफ दे कैन गेट समथिंग अवे विद द बूस्ट और नॉट. स्टाउन इन द मीनवाइल deployed the smokes completely covering the outer area, but Hampus, he wants to, you know, be cheeky, he wants to play dirty. Gideon, but Molotov's coming out, do some damage though, but not a lot. Alright, Device just going after Shush. अब देखते हैं क्या कमाल दिखा पाते हैं प्लेयर्स. रिफ्रेश डिवाइस. ऑलराइट, हियर कम्स द स्पिक्स. रेस टेकिंग डाउन रिफ्रेश. केडियन विल ऑफ कोर्स पिक हैम्पस अप. ब्लॉम्स्की हाउएवर does take down Gideon. And there you have it. Match point, ladies and gentlemen, for the boys. And NIP, beautiful display of gameplay all throughout. Heroic completely shut down. And I don't think, you know, they can pull this one off anymore. But in a game of Counter-Strike, well, you know, you have to play by the rounds. And there you have it. Already Tess is being picked off. Blobsky getting that entry frag. And instantly Kusna Chayenge gets those moves deployed. Device will punish KT for that. And there you have it. 5v1 situation. It's over for Heroic. And C4 bhi plant ho chuka hai. And Shosh against the world. If this clutch gets pulled off, it's gonna be iconic, it's gonna be historic. Okay, all right there you have it.
beautiful victory for NIP. Well, that was quick. 16-7 का स्कोरलाइन एंड स्टार्टिंग से ही एनआईपी ने एक अच्छी बढ़त बना ली थी. ऑफकोर्स सिटी साइड पे खेल रहे थे एंड न्यूकम को पता है बहुत ही ज़्यादा फेवर्ड है सिटी साइड की तरफ और यहाँ पे फ़ायदा भी उन्होंने उठाया था. बट देन अगेन हीरोइक वो नॉट दैट मच फार बिहाइंड. 9-6 का स्कोरलाइन था. चाहते तो आराम से अपने सेकेंड हाफ में सिटी साइड पे राउंड्स निकाल सकते थे बट दैट्स वेन एनआईपी गॉट रियली रियली डेडली. मैच को बहुत ही जल्द ख़त्म कर दिया. मात्र एक राउंड यहाँ पे हीरोइक को दिया और जिस तरीके के सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं थिंक एनआईपी इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट इन्होंने फिनाटिक को भी पास में हराया था और आज यहाँ पे हीरोइक को हरा के लो ब्रैकेट के फाइनल्स के अंदर प्रवेश कर रहे हैं. वी आर सीइंग हीरोइक getting eliminated. So ये तो था इस हफ्ते का match of the week. मैं आपसे मिलूंगा फिर से अगले हफ्ते एक नए matchup के साथ. तब तक के लिए stay safe, stay awesome and happy fragging.